अनंतनाग की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। पूरा देश उस शहीद परिवार के साथ है जिसमें कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और जो डीएसपी हिमायू भट्ट और एक राइफलमैन, इनकी शहादत हुई और फ्रंट पर आकर वो लड़ रहे थे। इनकी शहादत में से हम सब दुखी हैं, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन इस शहादत जो हुई है, अब आतंकियों की खैर नहीं और आतंकियों के आका की भी खैर नहीं। आतंकी जंगल में छिपे हों या बिल में छिपे हों, उनको निकाल कर उनको जमीन दोज किया जाएगा। उनके परिवार के लोग तैयार रहें, उनको दफनाया जाएगा। जो इसमें शामिल थे उनको जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। पहले भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश जब भी पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों ने की, उसका जवाब हमारी सेना ने दिया और उनके मन में दहशत पैदा किया। भी राजौरी में और अनंतनाग में ये जो घटना हुई, इसको लेकर सर्च ऑपरेशन है। हम अपने शहीदों पर के शहादत से दुखी हैं, उनके शहादत को पूरा देश का सलाम करते हैं।